दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर मान लो कि आपने अमेजोन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था और आप कस्टमर केयर से बात करना चाह रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट डिले हो गया, कहाँ तक प्रोडक्ट है, क्या दिक्कतें आ रही, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको कस्टमर केयर से बात करनी है और आपके पास कोई नंबर है उससे उस पर कॉल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि कस्टमर केयर वाले आपको खुद चला के कॉल करें, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अमेजोन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे नीचे मेन्यू के जो आइकन है, तीन यहाँ पे डंडी दी रखी, इस पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको है नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन मिलेंगे, तो चैट, आप चैट करके पूछ सकते हैं कि क्या इश्यू है, या फिर आपको कॉल के बारे में सामने से वो लोग कॉल करे तो यहाँ पे टॉक टू अस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, कौन से प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी है। जैसे मुझे यहाँ पे ये मशीन है वेट मैनेजमेंट वाली, इसके बारे में मुझे बात करना है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको कॉल रिक्वेस्ट के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ पे पेमेंट फेल्ड वाले आइकन पर क्लिक कर देना, और यहाँ पे रिवाइज पेमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ मोबाइल नंबर शो हो जाएंगे या फिर कोई भी नंबर है जिस पर आपको रिक्वेस्ट डालनी है वो आपको कॉल करें, वो यहाँ पे आपको नंबर एंटर करने हैं, और आपके ऊपर से लैंग्वेज वो कौन सी है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी तेलुगु तमिल है उस पर आपको क्लिक कर देना है, कौन सी भाषा में आप बात करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे नीचे है कॉल टू मी, सॉरी कॉल मी नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास तुरंत एक सेकंड के अंदर आपके पास तुरंत कॉल आएगा और आप जो भी आपकी क्यूरी है वो आप कर सकते हैं अमेजोन वालों से। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी इश्यू है तो मुझे आप कमेंट कीजिए।